मोदी सरकार में जाओगे तुम्हारा धर्म तुम्हारा सब बदल देंगे, तुमको भी हिंदू बना देंगे। ये मोदी की राज में सब खुला हुआ आ रहा है। आज जो मोदी जी ने मुसलमानों को जो इज्जत दी है 70 सालों में सब लोग ने जो है इस्तेमाल ही किया है। तो जो 33% अभी हमारे माननीय मोदी जी ने हम महिलाओं के लिए किया है, तो महिलाएं आज क्यों इस तरह से, हम सब लोग हो सकता है आगे की सरकार में हम लोग ना आते, आज हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं कि मोदी जी की गारंटी है। तो महंगाई के हिसाब से लोगों की तनख्वाह भी तो बड़ी है, लोगों को लेबर गिरी भी तो बड़ी है। कल लेबर 300 पाते थे, आज लेबर 500 पाते हैं। घर घर राशन मुफ्त मिलता है, घर घर पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा। तो शोषित वंचित और पीड़ित जो भी हैं उनको मोदी सुनते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। आपका क्या मानना है, क्या मुद्दे हैं आज, किस मुद्दे को लेकर आप यहाँ भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट में आए हुए हैं? मैं चीरगंज मंडल से विनय मिश्रा। आज देश का प्रधान सेवक जिसकी सोच ये है कि जो सफाई करता है, हम लोग कूड़ा फेंकते हैं, हम कूड़ा फेंकने वाले हैं, और जो सफाई करता है वो सफाई वाला है, उस सफाई कर्मियों का जो पैर पखारता हो, जिसकी सोच में इतनी स्वच्छता हो, जिसके सोच में ईमानदारी है, जिसके सोच में गरीबी और अमीरी का भेदभाव नहीं है, ऐसा प्रधान सेवक जब देश का नेतृत्व करता है तो देश की जनता उत्साहित है। आज देखिए जो देश में उत्साह का माहौल है, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री। मोदी जी की आपने बात किया कि वो स्वच्छता कर्मियों के पैर पखारते हैं, लेकिन लोगों ने आरोप ये लगाया, जो विपक्षी पार्टी वाले हैं वो आरोप ये लगाते हैं मोदी दिखावा करते हैं, क्या कहेंगे भाई साहब? देखिए भाई कोई भी विपक्ष रहेगा तो उसके विपक्ष में लोग रहेंगे। हम कहते हैं क्या इससे पहले भी तो लोग थे, क्या इस तरीके का काम किया, दिखावा में ही सही। हम अगर भगवान का नाम लेंगे तो राम का नाम लेंगे, भगवान का नाम लेंगे चाहे प्रेम से ले और चाहे मुंह दिखावा ले, लेकिन नाम तो राम का ही लेंगे ना। ईश्वर का नाम लेंगे फायदा करे, दवा हम जो है चाहे दुखी मन से खाए और चाहे खुशी मन से खाए, दवा अपना काम करेगा कि नहीं करेगा? तो प्रधान सेवक हमारे जो उनकी सोच है वो दिख रही है, स्वच्छ है एकदम से। जो भी है समाज के अंतिम पावदान पे जो लोग खड़े हैं उनके उत्थान के लिए एक से एक योजना ला रहे हैं, किसी बिना किसी भेदभाव के। तो ये स्वच्छ सभी को प्रदर्शित करता है, और जो आज पूरे भारत पूरा विश्व जो है भारत को देख रहा है, विश्व के मानचित्र में भारत का नाम उभर रहा है। आज प्रदेश की बात करें, जो आज से 10 साल पहले भारत सिर्फ 12 कॉलेज थे, योगी जी के कार्यकाल में आज 24 मेडिकल कॉलेज बने, और 5 लाख तक का बीमा दिया जा रहा है, स्वास्थ्य कार्ड दिया जा रहा है, 80 करोड़ लोगों को जो है स्वच्छ में राशन दिया जा रहा है, मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, और तमाम तरीके की गरीबों के लिए जो तमाम तरीके की योजनाएं गरीबों के लिए चलाई गई। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मोदी जी ने महंगाई बढ़ा दिया है, गैस सिलेंडर दाम बढ़ गया है, इस पर क्या? अगर मोदी जी ने महंगाई बढ़ाया तो कल लेबर 300 रुपए पाता था, आज लेबर 500 रुपए पा रहा है, तो महंगाई किस बात की है? देखिए मोदी जी पर आरोप ये लग रहा है कि जब से मोदी जी आए हैं महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्या कहेंगे? अगर मोदी जी महंगाई को लेकर लोग विरोध कह रहे हैं तो महंगाई के हिसाब से लोगों की तनख्वाह भी तो बड़ी है, लोगों को लेबर गिरी भी तो बड़ी है। कल लेबर 300 पाते थे, आज लेबर 500 पाते हैं। घर घर राशन मुफ्त मिलता है, घर घर पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा। कोई हमारे भाई भाईचारा में कोई विरोध नहीं है, ना मुस्लिम ना हिंदू ना कोई विरोधी नहीं है, सब कंट्रोल में राशन पूरे जात लेते, कोई जाति वाति दे के मोदी जी नहीं दे रहे हैं, या कॉलोनी दे रहे हैं तो कोई जाति वाति नहीं दे रहे। हाँ, और हर समय है तो महंगाई हर समय रही है। मैं आभा द्विवेदी, कीर्तन मंडल महामंत्री, मैं महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हूँ। तो जो 33% अभी हमारे माननीय मोदी जी ने हम महिलाओं के लिए किया है, तो महिलाएं आज क्यों इस तरह से, हम सब लोग हो सकता है आगे की सरकार में हम लोग ना आते, आज हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं कि मोदी जी की गारंटी है कि अगर कहीं कुछ हुआ तो हम लोग के महिलाओं के पीछे हमारे मोदी जी हमारे योगी जी खड़े हैं। इसलिए मैं भारत माता की जय, मोदी जी की जय, और लोकसभा के प्रत्याशी जो हमारे इलाहाबाद से उनकी भारी मत। तो यहाँ पर लोग अपने अपने तरीके से योगी और मोदी के संबंध बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ में एक भाई जान है, इनसे बात करते, क्या नाम होता आपका? राशिद राइन। यहाँ पर आज इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा है, जनसमूह है, और उसी जनसमूह में आप भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा लिए हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर आप भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर घूम रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये है ये जितने लोग आप दिखा रहे हैं, ये मोदी जी का सम्मान जो मिला है उनको, इस वजह से उनकी भीड़ है। और इसे विपक्षों में लोगों को हटाया निगारा जाता था,
भगाया जाता रहा, वो यहाँ नहीं, मोदी जी का प्यार है। यहाँ एक जितने भी बड़े बड़े नेता है सब अपने कार्यकर्ताओं को बहुत प्यार करते हैं, ये सब प्यार का नतीजा है। और आज जो मोदी जी ने मुसलमानों को जो इज्जत दी है 70 सालों में, सब लोग ने जो है इस्तेमाल ही किया है, कभी किसी मुसलमानों को जो है कुछ नहीं दिया, सब इस्तेमाल किया है। आप कहते हैं कि मोदी जी ने मुसलमानों की इज्जत दी है, लेकिन जो विपक्ष है, अगर बात करें हम राहुल गांधी की या बात करें अखिलेश यादव की या बात करें असदुद्दीन ओवैसी की, तो सभी का ये कहना है कि मोदी जी मुसलमानों को डरा रहे हैं, मुसलमानों को ये बाहर निकाल देंगे। हम लोग को जो है यही डराया जा रहा था कि जो है मोदी सरकार में जाओगे तुम्हारा धर्म तुम्हारा सब बदल देंगे, तुमको भी हिंदू बना देंगे। मगर हम लोग जब जोड़े तो मैंने लोगों को बताया ऐसा कहीं कुछ नहीं ना, कोई कुछ अपने से करना चाहता हो करे, मगर वहाँ पर ये सब धर्म की बातें होती नहीं ना, सिर्फ काम की बात होती है। शिक्षा, बेरोजगारी कैसे आगे बढ़नी है, कैसे क्या होता है जनता के लिए, क्या क्या करना है, सब मोदी जी की ये सब बात होती है। वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता। अच्छा, सब धर्म का सम्मान दिया, मुसलमानों को हमारे ख्याल से तो मुझको लगता है ज्यादा दिया उन्होंने। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही आती है, मोदी सांप्रदायिक है, आप कह रहे हैं मुसलमानों को सम्मान दिया मोदी जी ने। नहीं, वो देखिए, वो उसको जो है बनाया गया है दूसरी तरीके से, उनका बोलने का तरीका कुछ और, उन्होंने जो है विपक्ष ने उसको दूसरी तरीके से बना के रख दिया। तो मोदी जनता जानती है भाई साहब, जनता जानती है कि क्या क्या चल रहा है राजनीतिक में। मोदी जी ने जितने मुसलमानों को लाभ दिया है ना, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि मुसलमानों को उससे लाभ मिला है? नहीं, हर चीज में हर लाभ मिला उनको, हर लाभ, जैसे उज्ज्वला योजना है, मकान आवास है सबको मिल रहा है, ये 5 साल ये 5 लाख रुपए मिल रहा है सबको इलाज के लिए, क्या बहुत योजना है कि डायरी भर जाएगी भाई साहब। इन लोग बाकी विपक्ष के जमाने में तो कभी योजना मिल भी नहीं, क्या योजना आई है, सब अंदर आती रही, अंदर से गायब हो जाती रही। ये मोदी की राज में सब खुला हुआ आ रहा है, हर योजना का लाभ हर आदमी ले, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे कुछ भी हो। योगी मोदी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो यहाँ पर अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी हैं, यहाँ पर सामान्य श्रेणी के लोग भी, यहाँ पर हर वर्ग के लोग हैं।